नमस्कार खबरां इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्वाड शिखर सम्मेलन नूं कीता संबोधन। अपने जापान दौरे दौरान प्रधानमंत्री दा अमरीकी राष्ट्रपति, आस्ट्रेलिया ते जापान दे प्रधानमंत्रियां नाल मीटिंगां दा भी प्रोग्राम है। पंजाब दीआं दो राज्यसभा सीटां लई नोटिफिकेशन अज जारी होवेगा। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नवे उपराज्यपाल नियुक्त। पंजाब सरकार ने झोने की लुआई बारे नवा नोटिफिकेशन किया जारी। श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी के मैंबर से सबका मंत्री जथेदार तोता सिंह का संस्कार अज मोगा च किया जाएगा। खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज टोकियो च क्वाड शिखर सम्मेलन च हिस्सा लिया। इस मौके बोलदे प्रधानमंत्री ने कहा कि टोकियो च मित्रां विचाले होना उन्हां लई खुशी दी गल है। उन्हां कहा कि शिखर सम्मेलन दा स्वरूप व्यापक हो गया। एक्सलेंसी, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन, लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल टोकियो च भारतीय मूल दे लोकां नूं संबोधन कीता। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2070 तक कार्बन निकासी नूं जीरो करन लई दृढ़ है। उन्होंने कहा कि भारत ते जापान कुदरती भाईवाल ने। उन्होंने कहा कि जापान ने भारत की तरक्की के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड दौरान जब पूरे विश्व में मुश्किलों का सामना करना पाया तो भारत मेड इन इंडिया टीकिया नाल इस दे हल लई सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हां दी सरकार देश में सेहत संभाल बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करन लई काम कर रही है। उन्होंने दस्सिया कि देश के हरेक कोने च सेहत संभाल लई वैलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आशा कामियां नूं विश्व सेहत संगठन वालों विश्व सेहत आगुआ के अवार्ड नाल सन्मानिया गया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, जानदार ते जिम्मेवार लोकतंत्र की पहचान बन चुका है, जिसनों बीते 8 साल असी लोगों के जीवन में साकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाया। क्वाड शिखर सम्मेलन के आसपास प्रधानमंत्री का अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा नाल वख-वख मीटिंगां करन दा भी प्रोग्राम है। पंजाब दीआं दो राज्यसभा सीटां दी चोण लई अज नोटिफिकेशन जारी कीता जाएगा। उम्मीदवार 31 मई 2022 तक नामजदगियां भर सकते हैं। जिक्रयोग है कि पंजाब तो चुने राज्यसभा मैंबर अंबिका सोनी ते बलविंदर सिंह पुंदड़ 4 जुलाई नूं अहुदे दी म्याद खत्म होने करके सेवा मुक्त हो रहे हैं। पंजाब के मुख्य चोण अधिकारी डॉ एस करुणा राजू ने दस्सिया कि चोणां लई उलीकी गई समा सूची बारे नोटिफिकेशन अज जारी होवेगा और नामजदगियां 31 मई तक, जबकि नामजदगियां की पड़ताल 1 जून नूं होवेगी। उम्मीदवार 3 जून तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 10 जून को सवेरे 9 बजे तो शाम 4 बजे तक वोटां पैणगियां। उस दिन वोटां की गिनती शाम 5 बजे होगी। उन्होंने कहा कि चोणां का काम 13 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। डॉक्टर राजू ने दस्सिया कि नामजदगी पत्र पंजाब विधानसभा चंडीगढ़ के सकत्र कोल ने, क्योंकि वह राज्यसभा लई रिटर्निंग अफसर ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोल जनतक छुट्टी वाले दिन छड़ के अज तो 31 मई तक किसी भी दिन दोपहर 11 बजे तो 3 बजे तक नामजदगी पत्र दायर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नामजदगी पत्र फार्म 2C च दाखिल किए जाने ने। उन्होंने दस्सिया कि टाइप किए गए नामजदगी पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे, बशर्ते कि फार्म निर्धारित फॉर्मेट च टाइप किया होवे। विनय कुमार सक्सेना नूं दिल्ली दा नवा उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन वालों जारी बयान विच आख्या गया कि नवे उपराज्यपाल की नियुक्ति नूं अहुदा संभालण वाली तरीक तो प्रभावी मनिया जाएगा। वह मौजूदा उपराज्यपाल अनिल बैजल की थां लैणगे, जिन्हां ने पिछले हफ्ते निजी कारणां करके अहुदे तों अस्तीफा दे दिता सी।
पंजाब सरकार ने किसान जथेबंदियों नाल झोने की लुआई बारे बनी सहमति मगरों नवा नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। मालवे खेते च इस बार झोने की लुआई 17 जून तो शुरू होगी, जबकि माझे ते दुआबे च 14 जून तो झोना लाने का काम शुरू होगा। कौमांतरी सरहद लागे कंडियाली तार तो पार झोना 10 जून तो लगना शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन अनुसार जिला हुशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, तरन तारण, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, रूपनगर ते मोहाली झोने की लुआई 14 जून तो, जबकि बठिंडा, बरनाला, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहब, फिरोजपुर, लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, मुक्तसर, पटियाला, संगरूर ते फाजिलका च झोने की लुआई 17 जून नूं शुरू होगी। पावरकॉम वालों कंडियाली तार तो पार किसानों नूं 10 जून तो, मालवा खिते च 17 जून ते माझा दुआबा 14 जून तो खेती सैक्टर च 8 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाएगी। पंजाब सरकार ने कहा कि पंचायती जमीनों तो नजायज़ कब्जे हटाने की मुहिम जारी रखी जाएगी। कल चंडीगढ़ विचले पंजाब भवन च 23 किसान जथेबंदियों नाल मीटिंग तो बाद जानकारी सांझी करदे पेंडू विकास अते पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने दसे कि सरकार वालों गरीब अते छोटे किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रखे जाएंगे अते किसी भी गरीब नूं उजाड़िया नहीं जाएगा। उन्होंने दसे कि किसान आगुआं की मांग अनुसार पंचायती जमीनों तो नजायज़ कब्जा हटाने तो 15 दिन पहला नोटिस देना यकीनी बनाने लई विभाग के अधिकारियों नूं हदायतां जारी कर दित्तियां गईआं ने। उन्होंने कहा कि जे कोई नजायज़ काबजगार अपने पक्ष च कोई दस्तावेज पेश करना चाहता है तो जिला पंचायत अफसर नूं दे सकदा है, जिसनूं घोखिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसान आगुआं नाल बनी सहमति तो बाद 30 जून तक लोग पंचायती जमीन तो स्वै इच्छा नाल कब्जे छड़ सकते हैं, सरकार उस तो बाद ही कार्रवाई करेगी। जिक्रयोग है कि पहले 31 मई तक स्वै इच्छा नाल नजायज़ जमीनों तो कब्जे छड़न लई मुख्यमंत्री पंजाब ने अपील की सी। मंत्री ने दसिया कि जमीनों नूं आबाद करने वाले किसानों की पछाण करने लई सरकारी अधिकारियों अते किसान जथेबंदियों के नुमाइंदियों की सांझी 9 मैंबर कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोड़ पई तो पंजाब विधानसभा च इस मामले नूं लजा के राह दित्ती जाएगी। डेरे किसानों दीयां जथेबंदियों के आगुओं वालों चंडीगढ़ सहकारिता मंत्री हरपाल सिंह चीमा ते पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल नाल मुलाकात करके दुध के भाव च 5 रुपए प्रति लीटर वाधा करने की मांग की गई, परंतु यह बैठक बेसिट्टा रही। डेयरी किसानों ने सरकार वालों बीते शनिवार को 20 रुपए प्रति किलो फैट के किए गए वाधे से असंतुष्टि जाहिर की है। उन्होंने इस वाधे को नकारदे बैठक च मंग रखी कि घट्टो घट 100 रुपए प्रति किलो फैट का वाधा किया जाए। सहकारिता मंत्री हरपाल चीमा ते पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि सरकार इस मामले के हर पहलू नूं गंभीरता नाल विचार रही है। अज शामी इस मामले संबंधी फिर मीटिंग होगी। उधर डेयरी किसानों ने कहा कि सरकार ने उन्हों का मसला हल करने का भरोसा दवाया, पर जे सहमति ना बनी तो अपने संघर्ष नूं तेज करेंगे। ड्रग्स मामले च साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की रेगुलर जमानत अर्जी ते पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट च सुनवाई हुई। पंजाब सरकार वालों अपना जवाब दाखिल करने लई समा मंगे जाण ते हाईकोर्ट के डबल बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई लई 30 मई निश्चित की है। श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी के मैंबर साबका मंत्री जथेदार तोता सिंह की मृतक देह नूं कल शाम मोगा लियांदा गया। मोगा जिले के 4 हल्कों तो पार्टी वर्करां ते आम लोगों ने वख-वख थावां ते जथेदार तोता सिंह नूं श्रद्धा के फुल भेंट किए। जिक्रयोग है कि जथेदार तोता सिंह का बीते दिन देहांत हो गया सी। जथेदार तोता सिंह की मृतक देह नूं फिरोजपुर स्थित उन्होंने निवास स्थान पर रखा गया। उन्होंने सपुत्र बलजिंदर सिंह बराड़ ने दसिया कि जथेदार तोता सिंह का अज संस्कार किया जाएगा। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। तो बुलेटिन के अखीर में चुनवीं खबर एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्वाड शिखर सम्मेलन नूं कीता संबोधन। अपने जापान दौरे दौरान प्रधानमंत्री का अमरीकी राष्ट्रपति, आस्ट्रेलिया ते जापान के प्रधानमंत्रियों नाल मीटिंगां दा भी प्रोग्राम है। पंजाब दीयां दो राज्यसभा सीटां लई नोटिफिकेशन अज जारी होवेगा। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली दे नवे उप राज्यपाल नियुक्त। पंजाब सरकार ने झोने की लुआई बारे नवा नोटिफिकेशन कीता जारी। श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी के मैंबर से साबका मंत्री जथेदार तोता सिंह का संस्कार अज मोगा च किया जाएगा। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हूँ, बाहर जाने वेले तुसीं भी मास्क जरूर लगा के जाओ। तो हुण इजाजत दिओ, नमस्कार।